मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों आज मैंने एक वीडियो देखा है एक नैप्स वेदर एक्स ग्रुप का एजुकेशन वाला, उन्होंने अच्छा वीडियो बनाया उसने भी। एक गोदी ट्यूबर को उन्होंने अच्छा पाठ पढ़ाया, बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। उस गोदी ट्यूबर को यही नायब सूबेदार जो है पहले बहुत ऊंची बात बता रहा था कि ये फलाना आदमी ऐसा ठिकाना फिकाना सब कुछ। अब जैसे जैसे ये वो जो यूट्यूबर है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जब जो भी बात वो करता था, फिर उसके बाद लोगों से लाइव इंटरव्यू, ऐसे ऐसे लोगों से इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया था जो गवर्नमेंट के खिलाफ और जो मतलब दूसरे लोग हैं जिनको मतलब वह रुपये से कोई लेना देना नहीं। तो ये तो नायब सूबेदार जो है ये तो पक्का मतलब क्या कहते हैं कि बीजेपी समर्थक। जब भी वो वीडियो डालता है किसी पार्टी के नेता या किसी मतलब ऐसे यूट्यूबर जो मतलब बीजेपी की खिलाफ बोलने वाला या प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोलने वाला, तो तब ये प्रकट हो जाता है। उसका वीडियो जब मैंने देखा कि मतलब वाकई में वो ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूट्यूबर की कभी कमी नहीं है। यूट्यूब मैं बनाता हूँ बगैर कोई मतलब फिनेंशियल बेनिफिट। हाँ मोनेटाइज हुआ, लेकिन मुझे एक महीने में 80 रुपये मिलता है एक महीने में। और जो यूट्यूब करते हैं ना, जैसे कि नायब सूबेदार है, उसको मालूम है कि कितना पैसा मिलता है, क्योंकि उसको भी उतना ही मिलता होगा, 60 रुपये 70 रुपये ऐसे ही महीने में। लेकिन हम लोग वीडियो बनाते हैं जागरूक कराने के लिए, वो भी ऐसे ही करता है, वो भी मतलब मैं उसको दोष नहीं देता हूँ, लेकिन कभी कभी ये ना अपना लिमिट पार करता है ना, तभी गुस्सा आता है। उसने जो इस यूट्यूबर का जो है भाई नेम उसने मतलब झाड़ा उस भाई नेम, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब ओआरओपी के बारे में बात खत्म करते ही है ना, इसने बोल दिया कि लोगों को ओआरओपी इसलिए नहीं मिलता एस कि अफसर की वजह से नहीं, हम लोगों की वजह से, यानी कि हम लोग मतलब वो अपने आप को शामिल नहीं किया ये यूट्यूबर और उसको मतलब इंटरव्यू देने वाले और जंतर मंतर, इन्हीं को वो दोष दे रहा, इसलिए गवर्नमेंट जो है हमारे बात नहीं सुनते। सबसे पहला सवाल मैं नायब सूबेदार दीवान सिंह जी आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल, आपके संगठन में 3000 से ज़्यादा मेंबर है जो किसी संगठन में नहीं है दिल्ली में, आपको मालूम है? ये महादिग्गज यात्रा वीत्रा निरांगना यात्रा ये सब है ना, 12 संगठन है, ये 12 संगठन का टोटल स्ट्रेंथ उतना नहीं है जितना आपके संगठन में है। आपके संगठन में जितना मेंबर है उतना वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन में नहीं है, किसी में भी नहीं है। लेकिन वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन हो या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हो, उनके पास जो हिम्मत हौसला जो मतलब कोर्ट केस या कुछ भी हो, वो जो है ना हिम्मत आपके में नहीं है, ना आपके पास वो हिम्मत है ना ये आपके चेयरमैन के पास वो हिम्मत है। आप सिर्फ YouTube बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते आप जितना आप कहते हैं ना कि लोगों को मेमोरेंडम बनाना नहीं आता, तो आप क्या कर रहे थे? आपकी इतनी बड़ी संगठन है तकरीबन 3000 मेंबर है
ऑल इंडिया रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, सोसाइटी एक्ट 1860 की रजिस्ट्रेशन है, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? आप ये मत बोलो कि पैसा नहीं है, पैसा हम छोड़ के आते हैं, वो पैसा अभी भी सही सलामत है, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपके चेयरमैन साहब जो है कितना ईमानदार, हम जानते हैं, इसलिए पैसा सही सलामत है। लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे? आप जो है ना कभी सुरेंद्र पहलवान के पीछे भाग रहे थे, कभी वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन के पीछे, कभी दूसरे पार्टी के पीछे, हिम्मत नहीं है ना आपको? हिम्मत करके आप सामने आ जाओ, आप अपने संगठन की ओर से जंतर मंतर में बैठो, फिर उसके बाद जो है वहां से जहां जहां मतलब मेमोरेंडम देना है उधर से जाके दे दो, आपको किसी ने रोका नहीं है ना। दूसरी बात, आपने बोला कि ओआरओपी अगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं दिया, मैं अभी भी कह रहा हूं कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं दिया, जो क्लेम करते हैं ना कांग्रेस गवर्नमेंट हमने तीन बार, वो तीन बार सब गलत बता रहे हो, उनको कोई आंकड़े का कोई ज्ञान नहीं है। जो भी कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन कहते हैं ना 2006, 2009, 2012 ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि जो मतलब हमें सर्कुलर 568 के हिसाब से जो मिला है वो हमें 2006 से मिलना था, अगर वो 2006 से अगर मिल गया होता, ये जो बता रहे हैं ना तीन बार इंक्रीज किया वो कुछ नहीं आता उसमें, ये चीज आप भी जानते हैं कि मैं भी जानता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाला ये नहीं जानता। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 1300 करोड़ की जो आप बात बता रहे हैं ना, अब मैं आपको सच बता रहा हूं, ये 1300 करोड़ जो है ये 2011 की बात है, 2011 में जब 2011 में 1300 करोड़ के अलॉटमेंट जो मतलब अगर कर दिया होता आगे पीछे मतलब, और सिर्फ हवलदार तक ज्यादा बेनिफिट हुआ करता था उस टाइम, और जैसे उसको 400 सर्कुलर 430 की वजह से वहां बढ़ गया था, तो इसलिए वहां पे ज्यादा कच्चा नहीं था। आप कैलकुलेट करके देखो, आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, जो नायब सूबेदार वही ग्रुप का निकला है 2006 में, और 2009 में जो है 24 साल का नायब सूबेदार 9,382 दिया, और वही पैसा जो है 2006 के बाद जो रिटायर हुआ नायब सूबेदार उसको उतना ही मिला, मतलब 100-200 का फर्क है, ज्यादा नहीं। दीवान सिंह जी आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लो, 1300 करोड़ में जो है ऊपर नीचे अगर करोगे हवलदार तक 500 या 800 करोड़ का जो है एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होना चाहिए था उस टाइम। लेकिन 2011 में भगत सिंह होशियार जिन्होंने ये ओआरओपी का जो निकाला है ना, उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले जो है उन्होंने जो कम सर्विस में जो जिसको बाहर किया जाते हैं, जो 15 साल 17 साल 20 साल के अंदर जो जाते हैं उन्हीं के लिए मतलब लागू किया था, इसीलिए बीएसएफ वालों को उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या मतलब आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है ओआरओपी इसलिए लागू नहीं किया था क्योंकि वो पूरे सर्विस 56 साल 55 साल के एज में वो जाते हैं, कौन सा ऑफिसर जो है कर्नल हो ब्रिगेडियर हो 56 साल की उम्र से कम कौन जाता है? आप इसके बारे में बात नहीं किया, आप कहते हैं ना ऑफिसर्स के ऊपर दोष देते हैं, हम ऑफिसर के ऊपर दोष दे रहे हैं? आप तो पहले बीजेपी के पक्ष में बात करते थे, अभी अफसर के बीच में, और आप क्या बता रहे थे कि उस वीडियो में दिया ओआरओपी अगर किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया, अगर ओआरओपी कोई देगा तो मोदी दे सकता, पहले भी उन्होंने दिया अभी भी दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, हम तो पहले से कह रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आप कहते हैं कि ओआरओपी दिया है पीएम मोदी ने, मोदी साहब ने क्या दिया है? जो कुछ खिचड़ी बना है, जो कुछ जिलेबी बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ इसका हकदार कौन है?
हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, मोदी साहब कहां भी जहां भी जाते हैं ना, वहां क्या बोलते हैं कि ये मोदी का गारंटी है, गारंटी का दूसरा नाम मोदी जी है, ये मेरा गारंटी है। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने फरीदाबाद रैली में क्या बोला, पीएमआर वालों को मिलेगा, ओआरओपी पीएमआर वालों को मिलेगा, लेकिन एक बार दिया फिर उसके बाद कैसे आपने बंद कर दिया, पीएमआर वालों को निकाल दिया। लेकिन 2015 में जो नोटिफिकेशन था उसमें भी पीएमआर का नाम है, और उस नोटिफिकेशन का कोई मतलब चेंज नहीं हुआ था कि पीएमआर वालों को मिलेगा करके, लेकिन फिर भी उस टाइम पीएमआर वालों को दिया था, फिर बाद में क्यों उसको निकाल, मतलब पीएमआर का शब्द फिर कैसे आया आपका। आपने जो गारंटी आपने जो बात किया है वो तो पत्थर का लकीर एक गारंटी है ना, तो आप बताइए पीएमआर वालों को क्यों मतलब निकाला बाहर, दूसरा ओआरओपी में, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, ओआरओपी के नाम पे पेंशन रेगुलेशन एक्ट की धज्जियां उड़ा दिया, इसके बारे में आपको आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है, आज क्योंकि आपको बताने वाला है उसको भी ज्ञान नहीं है। सारे के सारे पेंशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसका धज्जियां उड़ा दिया, रिजर्विस्ट का जो है 2/3 ऑफ सिपाही मिलना चाहिए, 2014 से लेकर आज तक वो नहीं दिया गया। आनरी नायक का, आनरी हवलदार का 1 रुपया कम मिलना चाहिए रेगुलर नायक और रेगुलर हवलदार से, उसका भी धज्जियां उड़ा दिया। सर्कुलर 631 निकाला, मजबूरन निकाला था, और 631 के हिसाब से सबको मिला है, लेकिन 2006 से पहले जितने भी आनरी नायक सुबेदार की डेथ हुई थी उसके उनके परिवार वालों को अरियस नहीं दिया गया, वहां पे भी धज्जियां उड़ाया, और सर्कुलर 631 के हिसाब से 1/7/2014 के बाद फिर उनको जो है आनरी नायक सुबेदार को 2028 का ग्रेड पे में लेके चला गया था, वहां पे भी आपने धज्जियां उड़ाया। कितने में बता आप, ओआरओपी सेकेंड ओआरओपी दूर की बात है, पहला ओआरओपी की आप बात करो। पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक आनरी नायक सुबेदार का, एक आनरी नायक सुबेदार का पेंशन होना चाहिए रेगुलर हवलदार से 20% एक्स्ट्रा, रेगुलर हवलदार का जो पेंशन है उससे 20% एक्स्ट्रा, ये पेंशन रेगुलेशन एक्ट है, इसका भी धज्जिया उड़ा दिया। आपने क्या दिया है, आपने पूरा गोल 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 करके ना सबके सबके नींद हराम कर दिया, जितने भी जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर और स्पेशल फैमिली पेंशनर जिनके मौत सर्विस के दौरान हादसे से या नहीं तो वार लाइक सिचुएशन में हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुआ, इसके बारे में आपको आपको पता ही नहीं है ना। आप हमें एक मौका दे दो, जो जेसी और जवान जो जंतर मंतर में बैठे हैं ना, हमें एक मौका दे दो, हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ। ओआरओपी में मैं अपनी जो है आज के जो ये मतलब विराम आज का जो यूट्यूब खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात बताता हूँ, ऑफिसर्स को ओआरओपी में कोई हक नहीं है, ऑफिसर्स हमें हमारे साथ खेल खेला और हमारे ओआरओपी ऑफिसर्स ने खाया। दीवान सिंह जी मोदी जी ने नहीं दिया, मोदी जी ने जो दिया है टूटा फूटा ओआरओपी, मेरा गारंटी आप सुनो, मेरा गारंटी मोदी जी क्या कोई भी नहीं दे सकता ओआरओपी, कोई भी नहीं दे सकता ओआरओपी, चाहे वो मोदी जी या हो या राहुल गांधी हो, क्या कोई भी हो, ओआरओपी कोई नहीं दे सकता, ये मेरा गारंटी है, आप लिख के रख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।